समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन हो? अच्छा जी, जूम मोल पे यूरो करा के मानी सस्यो, पढ़िए मेरे साथ, मानी सस्यो। मोल किसका शॉर्ट कट है, आपको बताया था, मोल मोसल, किसको मोसल, मोसल किसको बोलते हैं, यानी किस चीज को, किस चीज को? यार अपना अपना माइक बंद कर लो यार। यूरोखे, यूरोखे का मतलब क्या होता है? इस तरह, ये शायद आप पहली दफा कर रहे हैं। ई का मतलब क्या होता है? ये, तो ई से ईरोखे, ईरोखे का मतलब क्या होता है? इस तरह, क्या, किस चीज को इस तरह। मानी का मतलब क्या हो गया? ज्यादा, मानी ज्यादा। सादा का मतलब क्या होता है? खरीदना, तो पास्ट हो गया सस्सोयो, सस्सोयो खरीदा। मोल नहीं रोके मानी सस्सोयो, किस चीज को इस तरह ज्यादा खरीदा। ये इसका लफ्जी मतलब बनता है, लेकिन बाप मावरा इसका ये मतलब है नहीं बनेगा। जैसे हम नहीं बोलते, जैसे हम बोलते पंजाबी में कह दें, ये इतना कुछ किस लिए खरीदा, ये इतना कुछ है किस लिए खरीदा, ये इस सेंस में बात हो रही है। मोल ही रुके मानी सस्सोयो, यानी कि ये उसने हाथ में चीजें उठाई हुई हैं ऑलरेडी, तो हम उसको, जैसे हमें हमें कोई अपना दोस्त मिले, उसने इधर भी शॉपर उठाए हुए, इधर भी शॉपर उठाए हुए, तो हम उसको डेफिनेटली क्या बोलेंगे, इतना सामान क्यों खरीदा। तो ये लफ्जी मतलब इसका क्या बन रहा है कि किस चीज को इस तरह ज्यादा खरीदा, तो ये इसका लफ्जी मतलब अलग है, ये इस सेंस में बात हो रही है। ये कोरियन का जो है ना एक बोलने का अंदाज है, मोल नहीं रुके इस तरह, ये देखें मैं उसी तरह आपको बोल रही, मोल नहीं रुके मानी सा सोयो, इस तरह बोलते हैं कि इतना कुछ है किस लिए खरीदा। अंडरस्टैंड? ओके, तो अब ये है कि दूसरे बंदे को किस तरह का जवाब देना चाहिए, पहले ये जहन में रखा करें, उसको रीजन बताएगा ना कि किस लिए खरीदा। तो पहला क्या लिखा हुआ है, फुल खोगी रुल, फुल खोगी किसको बोलते हैं, बारबी क्यू का, गुड, फुल खोगी बारबी क्यू रुल, मंदिल ल्योम्योन, मंदिल का मतलब क्या होता है, बनाना, रियोम्योन और म्योन, मैंने आपको ग्रामर पढ़ाई थी कि म्योन का मतलब क्या होता है, अगर, इस ग्रामर को याद रखने के लिए म्योन का मतलब याद रखना है, अगर, ठीक है, अगर उर्दू की ट्रांसलेशन में थोड़ी आगे पीछे हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात समझ में आना चाहिए कि अगर आपने फुल खोगी बनानी है, यही मतलब बन रहा है ना, अगर आपने बारबेक्यू बनानी है, खोगी हागो, तो गोश्त और छेसू सब्जियों को, रुल को सस्सोयो, कि अगर आपने बनानी है क्या, बारबेक्यू, ठीक है, तो आप जो है वो गोश्त और सब्जियों को खरीदा। ये सेंटेंस क्या है, गलत सेंटेंस है, मंदिल्यो म्योन, ये सेंटेंस ही गलत लिखा हुआ उन्होंने, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली भी ठीक नहीं है। देखिए इसका तर्जमा क्या बनता है कि फुलखोगी बनाने के लिए अगर अगर लगाएं तो फिर भी ठीक है। जूम वालों की मीटिंग भी खत्म हो गई है, इनको नमाज का वक्फा कर लें, नमाज का